हाय फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जो आपके पैसे को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। इस फाइनेंशियल टूल की सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस बनाती है इसको हाईली पॉपुलर अमंग इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे कैसे आप भी एक सॉलिड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। नंबर वन, की फैक्टर्स। सबसे पहले समझे कुछ की फैक्टर्स, जैसे कि आपका रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। ये फैक्टर्स डिसाइड करेंगे आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन को। नंबर टू, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नाउ म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। हर टाइप के फंड में अलग अलग रिस्क एंड बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए फंड चूज करते वक्त इनके स्पेसिफिक डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें। नंबर थ्री, अलाइनिंग विद फाइनेंशियल गोल्स। नाउ आते हैं फाइनेंशियल गोल्स पे, जैसे कि आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। आपके गोल्स के हिसाब से ही फंड सिलेक्ट करें ताकि आपके रिटर्न्स भी अलाइंट रहे। नंबर फोर, डाइवर्सिफिकेशन। नाउ डाइवर्सिफिकेशन का किसी भी पोर्टफोलियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके आप बना सकते हैं एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जो मार्केट वॉलिटिलिटी से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। नंबर फाइव, इन्वेस्टमेंट मोड। नाउ म्यूचुअल फंड्स का एक फायदा है कि इसमें आप एक बार में लमसम अमाउंट डाल सकते हैं और ये महीने का SIP के जरिए स्मॉलर अमाउंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर सिक्स, रेगुलर रिव्यूज। नाउ पोर्टफोलियो बनाने के बाद रेगुलर चेक करना ना भूलें। मार्केट कंडीशंस बदल सकते हैं और आपके गोल्स भी। नाउ इनके मुताबिक आपको अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट करना चाहिए। नंबर सेवन, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड्स। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है एज कम्पेयर्ड टू रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, इसीलिए इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट MF सिलेक्ट करके एडिशनल रिटर्न्स जनरेट करने का फायदा मिल सकता है। नाउ हियर आर सम टिप्स फॉर बिगिनर्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं तो अपना पोर्टफोलियो सिंपल रखें। शुरू में हाई रिस्क फंड्स से दूर रहें। एक भरोसेमंद एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऐप में जाके अपना म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पोर्टफोलियो आपके फाइनेंशियल गोल्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए और इसमें डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा रोल होना चाहिए। साथ ही आपका रिस्क समझे और बस अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.